ये सच है कि इंसान अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसे आगे बढ़ने और उन्नति करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है। बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसके माँ बाप और परिवार के लोग सहायक बनते हैं, उसे चलना, उठना, बैठना, बोलना और ठीक से व्यवहार करना सिखाते हैं। इसके बाद वो पड़ोस, स्कूल और समाज के बीच जाता है और लोगों से जीवन जीने का हुनर सीखता है, आगे बढ़ता है। ये बात याद रखना चाहिए कि परिवार, समाज और सारी दुनिया आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना से ही चल रही है। कष्ट या संकट किसी पर भी आ सकते हैं और ऐसे समय में सहायता की जरूरत होती है, लेकिन आज के दौर में देखा गया है कि कई बार लोग संकट में पड़े व्यक्ति को देखकर मुंह फेर लेते हैं और अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन इस बार मुंह फेरने से पहले ये जरूर सोचिएगा कि अगर आप खुद इस तरह के संकट में फंसे होते तो जरा परिणाम के बारे में सोचिए और दूसरों की मदद करने को स्वभाव बना लीजिए और इसी से बेहतर बनेगा ये सारा जहां। स्वागत है आप सभी का, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। सबसे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। हांगकांग में फिर उग्र हुए प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में हिंसक झड़पें, यातायात ठप, जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। करीब 6 महीनों से जारी आंदोलन के बाद हांगकांग की अर्थव्यवस्था चरमराने की आशंका। युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में सरकार ने अपने वादे के तहत 3 तालिबानियों को जेल से सशर्त किया रिहा। 2016 में अगवा किए गए 2 पश्चिमी प्रोफेसर को मुक्त करने के एवज में हुई रिहाई। तालिबान के साथ अफगान शांति वार्ता पटरी पर लाने के लिए गनी सरकार की कोशिश का हिस्सा। और इटली में 53 साल की सबसे खतरनाक बाढ़, खराब हालात के कारण वेनिस में आपात स्थिति की घोषणा। पानी भरने से शहर की विरासत पर भी पड़ा असर, सभी व्यवसायिक गतिविधियां थमी, जनजीवन ठप। सबसे पहले बात हांगकांग की, जहां करीब 6 महीने से विरोध प्रदर्शन जारी है। विवादित प्रत्यर्पण बिल वापस लेने के बाद भी प्रदर्शनकारी अपनी बाकी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखे हुए हैं। हांगकांग में लोकतांत्रिक सुधारों और निष्पक्ष चुनाव की मांग पूरी करवाए बिना प्रदर्शनकारी आंदोलन रोकने के मूड में नहीं है। हाल में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई में एक छात्र की मौत को लेकर लोगों का गुस्सा और भड़क गया। आंदोलन में शामिल 1,000 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इस आंदोलन ने 70 लाख आबादी वाले हांगकांग को अस्त व्यस्त करके रखा है। जून से प्रदर्शनों से निपटने में चीन के पसीने भी छूट रहे हैं। हांगकांग में ये प्रदर्शन जून से जारी है, जो समय के साथ कम होने के बजाय और उग्र हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर कई राउंड फायरिंग भी की। हांगकांग में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब पुलिस ने सुबह प्रदर्शन कर रहे लोगों पर नजदीक से गोली चला दी। पुलिस की फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी फायरिंग करता दिख रहा है। लोकतंत्र समर्थकों पर पुलिस की फायरिंग का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया। वहीं पुलिस कह रही है कि उसने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई। जून में आंदोलन शुरू होने के बाद से हम सफल नहीं हुए हैं। 5 मांगे और पुलिस बल में सुधार सहित और भी कई चीजें जोड़ दी गई हैं। हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। हांगकांग के कानून को पतन की कगार पर धकेल दिया गया है, क्योंकि नकाबपोश विद्रोही जबरदस्ती अपनी हिंसा को इस उम्मीद के तहत आगे बढ़ा रहे हैं कि वो कानून से बच जाएंगे। पिछले सप्ताह प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने बल का उपयोग किया था। इस घटना में एक छात्र घायल हो गया था। उपचार के दौरान उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। छात्र की मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। वैसे तो प्रदर्शन सप्ताह के शुरू से ही तेज हो गए थे, पर बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर ईंट, साइकिल, तख्त और अन्य सामग्रियों को फैलाकर प्रमुख सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनों के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। ट्रेनों में तोड़फोड़ के बाद कई सबवे और रेल स्टेशनों को बार बार बंद करना पड़ रहा है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में कक्षाएं निलंबित कर दी गई हैं।
हम शासन और सरकार के बारे में बहुत नाराज हैं, जो हमें हमारी मर्जी से जीने से रोकने की कोशिश कर रही है। वो हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ हैं, हम हड़ताल कर रहे हैं ताकि हमारे जीवन के लगातार दमन से इस शासन को रोका जा सके। स्थिति ने बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों के काम या स्कूल जाने को प्रभावित किया है। प्रदर्शनकारियों ने हांगकांग को पंगु बनाने, हांगकांग को रोकने और लोगों को काम या स्कूल जाने में असमर्थ बनाने के लिए स्वार्थीपन दिखाया है। हांगकांग में प्रदर्शन और पुलिस के रवैयों को लेकर अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई देश चिंता जता रहे हैं, लेकिन चीन ने एक बार फिर इसे अपना अंदरूनी मामला बताकर किसी भी देश को इसमें हस्तक्षेप न करने को कहा है। चीन ने कहा है कि ऐसे प्रदर्शनों से निपटने के लिए कड़े सुरक्षा कानूनों को लागू करने की जरूरत है। दरअसल चीन की अर्थव्यवस्था FDI पर टिकी हुई है। हांगकांग इस लिहाज से भी बेहद खास है क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का 61% केवल यहीं से आता है। केंद्र सरकार कानून के अनुसार नीतियों को लागू करने में हांगकांग सरकार का दृढ़ता से समर्थन करती है। कानून को सख्ती से लागू करने के लिए हांगकांग पुलिस का समर्थन करती है। हांगकांग के मामले विशुद्ध रूप से चीन के आंतरिक मामले हैं। किसी भी विदेशी सरकार, संगठन या व्यक्ति को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। दरअसल हांगकांग में लोकतंत्र स्थापित करने के पक्ष में पिछले 6 महीनों से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांगों में से एक विवादित प्रत्यर्पण बिल को हांगकांग ने अक्टूबर में वापस ले लिया था, लेकिन इसके अलावा भी आंदोलनकारियों की मांग है कि हांगकांग में पूरी तरह से स्वतंत्र चुनाव कराए जाएं और पुलिस की भूमिका की स्वतंत्र जाँच भी हो। इतिहास पर नजर डालें तो 1997 को ब्रिटेन ने हांगकांग को वापस चीन को सौंप दिया था। फिर एक देश दो व्यवस्था के तौर पर हांगकांग में नई सरकार बनी और स्वायत्तता मिली, पर सत्ता का मुखिया चीन ने चुना। हांगकांग में फिलहाल अपना कानून है और अपनी असेंबली है, लेकिन विदेश और रक्षा विभाग चीन के पास हैं। हांगकांग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चुनाव समिति चुनती है, लेकिन माना जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी को चुनने में चीन की भूमिका होती है। चीन की दखलंदाजी और एक तरह से चीन के साए से पूरी तरह बाहर निकलने के लिए ही प्रदर्शनकारी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लंबे चल रहे इन विरोध प्रदर्शनों से हांगकांग पूरी तरह से टूटने की कगार पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ये दौर अफगानिस्तान में शांति वार्ता को लेकर काफी नाजुक वक्त माना जा रहा है। बीते 2 दशकों से देश में जारी गृह युद्ध के बीच तालिबान के साथ बातचीत की कोशिशें जारी हैं। इस हफ्ते अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने 3 तालिबान कैदियों को सशर्त रिहा करने का कठिन फैसला लिया और उसे पूरा किया। तालिबान लंबे समय से इनकी रिहाई की मांग कर रहा था। अशरफ गनी के इस फैसले को तालिबान के साथ शांति वार्ता को पटरी पर लाने की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना जा रहा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल बुधवार सुबह कार में विस्फोट से दहल गई। इस विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। ये धमाका स्थानीय समय के अनुसार सुबह करीब 7:25 पर काबुल शहर के कासबा क्षेत्र में हुआ। घटनास्थल पर ही सैन्य और नागरिक हवाई अड्डे और एक विदेशी सैन्य अड्डा स्थित है। पीड़ितों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इलाके में विस्फोट से कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। ये एक आत्मघाती हमला था जिसमें हमलावर ने विस्फोटकों से भरे एक वाहन को मुख्य सड़क पर उड़ा दिया। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि टूटा कांच कारों में घुस गया, धुआं सभी पास के घरों में घुस गया और मेरे पड़ोसी के बच्चे का सिर टूटे कांच से कट गया। किसी भी आतंकी संगठन ने विस्फोट के तुरंत बाद हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। काबुल में तालिबान और IS सक्रिय हैं और इससे पहले वे हमलों की जिम्मेदारी भी लेते रहे हैं। ये हमला तब हुआ है जब अफगानिस्तान सरकार ने 3 आतंकियों को रिहा करने का फैसला किया है। रिहाई के फैसले के ऐलान के एक दिन बाद ही काबुल में इस विस्फोट को अंजाम दिया गया।
तीनों आतंकियों को 2014 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों की मदद से देश के बाहर गिरफ्तार किया गया था। तीनों आतंकी कुछ समय से अफगान सरकार की हिरासत में बगराम जेल में कैद थे। इनमें हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख सदस्य अनस हक्कानी और तालिबान के वरिष्ठ सदस्य हाजी माली और अब्दुल राशिद हैं। तस्मीन गिरफ्तीम कि सीतन हमने तालिबान कैदियों के सदस्यों को रिहा करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों और विशेष रूप से अमेरिका के साथ परामर्श में हमने एक तरीका रखा है जिससे इन तीनों की सशर्त रिहाई का मतलब दुश्मन के रैंकों को मजबूत करना और उनके हमलों को तेज करना नहीं होगा। दरअसल अफगानिस्तान सरकार ने एक अमेरिकी और एक ऑस्ट्रेलियाई प्रोफेसर के बदले तीन आतंकियों को रिहा कर दिया। दोनों प्रोफेसरों का 2016 में अपहरण कर लिया गया था और उसके बाद से वे तालिबान की हिरासत में थे। राष्ट्रपति गनी ने सशर्त रिहाई को एक कठिन फैसला बताया। आतंकियों की रिहाई की घोषणा भी संवेदनशील समय में की गई। माना जा रहा है कि अशरफ गनी ने तालिबान के साथ शांति वार्ता को पटरी पर लाने के लिए रिहाई की मांग स्वीकार की है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में जारी तेजी के बाद सितंबर में तालिबान के साथ बातचीत रोक दी थी। अफगानों के बीच एक राजनीतिक समझौता इस नतीजे को पाने का सबसे अच्छा तरीका है। जब तक ये पूरा नहीं हो जाता, हम तालिबान और आतंकवादी समूहों के खिलाफ एक आक्रामक सैन्य अभियान जारी रखेंगे। इससे पहले जून 2019 में अफगानिस्तान सरकार ने 200 से अधिक तालिबान कैदियों को रिहा करने का फैसला किया था। बीते दो दशकों से देश में जारी गृह युद्ध के बीच चल रही शांति वार्ता के दौरान ये सबसे अहम फैसला माना गया था। बदले में तालिबान देश में शांति स्थापना पर सहमत हुआ था। दूसरी तरफ अफगान शांति प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाने के लिए चीन भी कोशिशों में लगा है। चीन अपने यहाँ अफगान अधिकारियों और तालिबान के बीच बैठक की मेजबानी करने की कोशिश में जुटा है। इससे पहले तालिबान अफगानी सरकार से सीधी बातचीत से अब तक इनकार करता रहा है। अभी हाल तक तालिबान अमेरिका के साथ वार्ता कर रहा था, लेकिन सितंबर में ये वार्ता टूट गई। इन सब के बीच अशरफ गनी सरकार का भविष्य अधर में है। 28 सितंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, जिससे अफगानिस्तान में राजनीतिक अनिश्चितता भी बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं और इससे पहले अमेरिका के रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की जांच शुरू हो गई है। अमेरिका के इतिहास में तीसरी बार राष्ट्रपति पर महाभियोग को टीवी पर दिखाया जा रहा है। प्रतिनिधि सभा के स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सार्वजनिक सुनवाई में खुलेआम कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फायदे के लिए यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता राशि का रिश्वत के तौर पर प्रयोग करने की कोशिश की। व्हाइट हाउस ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किसी भी गलत काम का कोई सबूत महाभियोग सुनवाई के दौरान सामने नहीं आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग की जांच से जुड़ी पहली सुनवाई शुरू हो गई है। यह सुनवाई सार्वजनिक रूप से हो रही है, जिसकी राष्ट्रपति ट्रंप ने निंदा की है। ट्रंप ने दावा किया है कि यूक्रेन के साथ सौदे के बारे में उन पर महाअभियोग की जांच बेबुनियाद है। व्हाइट हाउस में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में ट्रंप ने महाभियोग संबंधी जांच और सुनवाई को शर्मनाक बताया है। आप जानबूझकर निशाना बनाने की कार्रवाई की बात कर रहे हैं, क्या आपका वही मतलब है? मैंने सुना है, ये मजाक है। मैंने नहीं देखा, मैंने एक मिनट के लिए भी नहीं देखा, क्योंकि मैं राष्ट्रपति के साथ था, जो कि मेरे हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अमेरिकी संविधान के खिलाफ काम किया। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर दबाव डाला कि वो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करे। हालांकि जांच शुरू करने पर दबाव डालने के आरोपों से ट्रंप इनकार करते हैं। जो बाइडेन अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं।
सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के सांसदों के सामने शीर्ष राजनयिक बिल टेलर और जॉर्ज केंट सबसे पहले गवाहों के रूप में पेश हुए। जॉर्ज केंट अमेरिका की यूक्रेन पॉलिसी के इंचार्ज हैं। इन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप के वकील रूडी जुलियानी पर यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी राजनयिकों की छवि खराब करने का आरोप लगाया। इन्होंने कहा कि जुलियानी और ट्रंप की वजह से अमेरिका और यूक्रेन के रिश्तों को नुकसान हुआ है। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के चेयरमैन एडम शिफ ने कहा है कि जांच का मूल मकसद ये है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन पर दबाव डालकर उसे अमेरिकी चुनावों में दखल देने के लिए न्योता दिया है। This is a sham and shouldn't be allowed. ये शर्मनाक है और इसे नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि वो वेसल ब्लोअर कौन है, क्योंकि उसने बहुत सारी गलत जानकारियाँ दी। यहाँ तक कि मेरे और यूक्रेन के राष्ट्रपति के बीच की फोन की बातचीत भी तथ्यों से परे है। हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की जवाबदेही तय करनी ही होगी। नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के घोटाले में रिश्वत की बात कबूल की थी। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाया कि पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन के खिलाफ जांच के लिए यूक्रेन को ट्रंप प्रशासन ने $391 मिलियन की आर्थिक मदद की मंजूरी दी थी, जो कि रिश्वत है। The bribe is to grant or withhold military assistance. झूठी जांच को चुनाव में मुद्दा बनाकर सार्वजनिक बयान देने के बदले किसी को अनुदान या मिलिट्री सहायता की मंजूरी देना घूस है। हमने अभी महाभियोग पर कोई फैसला नहीं किया है। ये सब अभी जांच का विषय है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि राष्ट्रपति ने इसे स्वीकार किया था और उचित बताया था, जबकि मैंने इसे पूरी तरह अनुचित करार दिया था। ये घूस है। शुक्रवार को सुनवाई में यूक्रेन में अमेरिका की पूर्व राजदूत मैरी युवानोविच की गवाही होगी। वहीं महाभियोग की सुनवाई को लेकर व्हाइट हाउस के वकील कैलियाने कोनवे ने कहा है कि ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेट्स के आरोपों में कोई दम नहीं है और ट्रंप के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। वहीं व्हाइट हाउस के बजट अधिकारी मार्क सैंडी ट्रंप पर महाभियोग की जाँच में बंद कमरे में गवाही देने पर सहमत हो गए हैं। सैंडी के वकील ने कहा है कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वो पेश होंगे। अमेरिका के इतिहास में चौथी बार महाअभियोग पर सुनवाई हो रही है और तीसरी बार इसकी कार्यवाही को सार्वजनिक रूप से टीवी में दिखाया जा रहा है। अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स राष्ट्रपति ट्रंप पर महाअभियोग लगाता है और सीनेट की मंजूरी मिल जाती है तो ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटना पड़ सकता है। भले ही निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भले ही महाअभियोग पास हो जाए, सीनेट में इसे पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जहां की रिपब्लिकन का भारी बहुमत है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए मौजूदा सियासी हालात उतने मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सारा जहां में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखेंगे दुनिया रंग बिरंगी। बौद्ध वृक्ष गया स्थित प्राचीन महाबोधि मंदिर के आंगन में लगा करीब 120 साल पुराना पेड़ बौद्ध धर्म की 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक। कहते हैं इसी जगह महात्मा बुद्ध ने की थी तपस्या और जिस पीपल के नीचे बुद्ध को मिला था ज्ञान, ये बौद्ध वृक्ष है उसी की संतान। और अब बात इटली की, जहां के सबसे खूबसूरत शहर में शुमार वेनिस 50 साल की सबसे भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। बाढ़ के कहर को देखते हुए सरकार ने वेनिस में आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। समुद्र में ज्वार की वजह से वेनिस भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है।
वेनिस में प्रमुख ऐतिहासिक स्मारकों में पानी भर गया है और 7 प्रमुख पर्यटन स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बाढ़ से तबाह शहर को सरकार ने 20 मिलियन यूरो की तत्काल मदद का आदेश दिया है। सपनों के शहर के नाम से पहचान रखने वाला इटली का शहर वेनिस बाढ़ की बर्बादी देखने को मजबूर है। 53 साल बाद वेनिस में इतनी भयावह बाढ़ आई है। इससे पहले 1966 में वेनिस ने ऐसी ही बाढ़ की आपदा देखी थी जिसने वेनिस को पानी पानी कर दिया था। दरअसल समंदर के पानी के शहर में घुस जाने से बेसिलिका समेत शहर की कई जानी मानी जगहें पानी में घिर गई। वेनिस शहर में करीब 6 फीट तक पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ से पैदा हुए गंभीर हालात को देखते हुए इटली के प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की बैठक बुलाकर आपात स्थिति की घोषणा कर दी है। इटली के प्रधानमंत्री जुसेप्पे कोंटे के आपात स्थिति की घोषणा के बाद अब लोगों को मदद पहुंचाने और जरूरी पैसा और संसाधन जुटाने में सरकार तेजी से काम करेगी। सरकार लोगों की हर संभव मदद करने के लिए हर जगह मौजूद है। वेनिस में ऐसी बाढ़ अपवाद है। इससे पहले 1966 में बाढ़ के ऐसे हालात थे। बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। हम बचाव और राहत कार्यों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रात में हालात और नहीं बिगड़ेंगे और आपात स्थिति नहीं बनेगी, लेकिन इसलिए हम हालात की लगातार निगरानी कर रहे हैं। इटली में भी ग्लोबल वार्मिंग का कहर साफ तौर पर देखा जा सकता है। पानी में तैरने वाला वेनिस शहर अब पानी में डूब रहा है। 13 नवंबर को आए हाई टाइड के बाद शहर की ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं शहर की गलियों, मकानों, होटलों में भी पानी भर गया है। बाढ़ की वजह से यहां कारोबार को भी भारी नुकसान पहुंचा है। बावजूद लोग हर कठिन स्थिति का सामना करने को तैयार हैं, लेकिन सैलानियों पर निर्भर रहने वाले दुकानदार बेहद हताश और निराश हैं। हमें लगता है कि बाढ़ की वजह से हमारा 70,000 यूरो का नुकसान हुआ। जाहिर तौर पर हम अभी भी नुकसान के स्तर का जायजा ले रहे हैं। हम अभी तक बिजली बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा तकरीबन 1,000 यूरो का खाने का सामान खराब हो गया है। इटली में हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, लेकिन बाढ़ में फंसे कई सैलानियों को सरकार वापस भेजने का इंतजाम कर रही है। मेरी राय में हम वेनिस को बचा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें प्रकृति को उसके तरीके से काम करने देना चाहिए। अगर हम वेनिस को बचाने की कोशिश करते हैं बाहर की तरफ दीवारें या फिर ढांचे बनाकर, तो वेनिस में दूसरी तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वेनिस अपने आप में हमारे लिए बहुत दिलचस्प है। हाई टाइड के इस समय में ये और भी दिलचस्प हो गया है। हाई टाइड से आने वाली बाढ़ से वेनिस को बचाने के लिए 1984 में परियोजना भी बनाई गई थी, लेकिन वो भी अब घोटाले की भेंट चढ़ गई। आज भी ये परियोजना पूरी नहीं हो पाई है। इस परियोजना में अब तक करोड़ों यूरो भी खर्च किए जा चुके हैं। इटली में अब तक बाढ़ की चपेट में आकर 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं सरकार ने आपातकाल की घोषणा के साथ हर संभव मदद का ऐलान कर दिया है और हर स्थिति का सामना करने के लिए कोस्ट गार्ड टीम, अतिरिक्त बोट और वाटर एम्बुलेंस के साथ बचाव कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन जल्द ही पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया भर में घटी कुछ दूसरी अहम खबरों पर। देखते हैं दुनिया एक नजर। गृह युद्ध से जूझ रहे सीरिया में संकट और गहरा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय अभियानों के प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा कि सीरिया की आधी आबादी यानी 1 करोड़ से अधिक लोगों को सहायता की जरूरत है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और कई अन्य संगठन औसतन 56 लाख लोगों को मदद पहुँचा पा रहे हैं।
सीमा पार से सहायता के प्रस्ताव की समय सीमा दिसंबर में समाप्त हो रही है। ऐसे में लोकॉक ने कहा कि सीमा पार से मिल रही मदद के अभियान की समय सीमा बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसराइल का गाजा पट्टी पर हमले का सिलसिला जारी है। हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 के पार हो गई है। बुधवार को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन को खबरदार किया है। उन्होंने आतंकी संगठनों को चेतावनी दी कि दया किए बगैर हमले जारी रखे जाएंगे। मौके की नजाकत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत बुधवार दोपहर को काहिरा पहुंचे। पहले भी संयुक्त राष्ट्र और मिस्र ने इसराइल और गाजा स्थित आतंकवादियों के बीच पिछले संघर्ष विराम की मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उधर इस ताजा जंग से तेल अवीव सहित इसराइल के सीमावर्ती इलाके में जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। गाजा के निकट के इजरायली स्कूल और सरकारी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। गाजा में इसराइल और आतंकवादियों के बीच 2008 से 3 युद्ध हो चुके हैं। कुवैत की सरकार ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। प्रधानमंत्री शेख जबर अल मुबारक अल सबह ने औपचारिक रूप से कैबिनेट का इस्तीफा देश के शासक अमीर शेख सबह अल अहमद अल सबह को सौंपा। देश में अगले साल की शुरुआत में संसदीय चुनाव हो सकते हैं। देश में मंत्रियों के नाम की आलोचना की जा रही थी और उनके बीच भी काफी मतभेद थे। कंपनियां अब दुनिया भर में तेज गति से इंटरनेट सेवा मुहैया कराने की दिशा में काम कर रही हैं। स्पेसएक्स नाम एजेंसी अंतरिक्ष में इसके लिए उपग्रह भेज रही है। स्पेसएक्स की ओर से इस बार 60 छोटे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। इनका नाम फाल्कन रॉकेट रखा गया है। इन फाल्कन रॉकेट की ये चौथी अंतरिक्ष यात्रा है। कॉम्पैक्ट प्लेट पैनल वाले इन छोटे छोटे उपग्रहों का वजन महज 260 किलोग्राम है। इससे पहले साल 2019 के मई माह में 60 और उपग्रह भेजे गए थे। ये नए भेजे गए उपग्रह भी अंतरिक्ष में जाकर उनसे जुड़ जाएंगे। और अब आखिर में आपके चेहरे पर मुस्कान लाने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं दुनिया रंग बिरंगी। हाल ही में समुद्री जीवों के आकार में बने लेंटर से पेरिस जगमगा उठा। ओर्का सफेद शार्क और यहाँ तक कि एंग्लर फिश की रंग बिरंगी रोशनी से रात खिल उठी। ठंड और बरसात की परवाह किए बिना लोग इस अद्भुत शो को देखने आए। इस लाइट शो का उद्देश्य समुद्र से जुड़े मुद्दे जैसे कि ओवर फिशिंग और प्लास्टिक कचरे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये शो 19 जनवरी तक लोगों के लिए खुला रहेगा। वॉकिंग फिनिक्स स्टारर फिल्म जोकर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर ली है। ये पहली आर रेटेड हॉलीवुड मूवी है जो $1 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा मूवी मार्केट माने जाने वाले देश चीन में ये फिल्म रिलीज नहीं की गई। इसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिखाया है। ये फिल्म बैटमैन के कट्टर दुश्मन जोकर के जीवन की कहानी है। स्पेन के मशहूर अभिनेता एंटोनियो बांदेरास ने शुक्रवार को अपने नए थिएटर का उद्घाटन किया। ब्रॉडवे के सबसे मशहूर शो में से एक शो एक कोरस लाइन के साथ वो अपने नए थिएटर की शुरुआत कर रहे हैं। प्रीमियर में स्पेनिश फिल्म निर्देशक पेड्रो अल्मोडोवार सहित कई हस्तियां नजर आई। इस शो को खुद एंटोनियो ने डायरेक्ट किया है। साथ ही वो इसमें जैक नाम के एक सख्त डायरेक्टर का किरदार भी निभाते नजर आएंगे। लैटिन ग्रैमी अवार्ड्स के 20 साल पूरे होने पर ये समारोह बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। अवार्ड फंक्शंस के होस्ट रिकी मार्टिन समेत रोसलिन सांचेस और पेस वेगा रहे। समारोह में बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल हुई। स्टेज पर सोडा स्टूडियो और द अर्जेंटीन रॉक बैंड समेत कई लेजेंड्स ने परफॉर्म किया। इस साल एलिहांड्रो सांच को रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वही बैंड बनी को बेस्ट म्यूजिक एल्बम का सम्मान मिला तो रोसालिया को एल्बम ऑफ द ईयर और बेस्ट अर्बन सॉन्ग का खिताब मिला। और इसी के साथ सारा जहां के इस हफ्ते के सफर में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। बने रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।